हेलो ब्यूटीफुल पीपल, इनक्रेडिबल उत्तराखंड सीरीज़ के नए एपिसोड से वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द लास्ट एपिसोड ऑफ माय ट्रैवल ट्रेल वी डिड अ ब्यूटीफुल इजी पीजी ट्रैक टू बिरती फॉल्स एंड लेटर रीच्ड खलिया गेट इन मुनस्यारी। क्या हुआ आगे, लेट्स गो एंड फाइंड आउट इन दिस एपिसोड। फिलहाल ये आपका खलिया टॉप का रास्ता है, वहाँ आपको एंट्री करनी है। जाने से पहले आप वहाँ पे बस अपना नाम और एड्रेस और वो सब मेंशन करना है, कितने लोग हैं, और फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तभी चलते हैं आगे को। खलिया गेट से खलिया टॉप इज अराउंड 8 किलोमीटर और आज हम जा रहे हैं केएमवीएन जो इन बिटवीन कहीं पर है, दैट इज अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम खलिया गेट। सो लेट्स हाइक अप। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है किसी किसी सेक्शंस में, जहाँ पे धूप नहीं आती होगी इस आज के टाइम पे। तो अभी आज डेट हो रही है 17 दिसंबर, तो आज के टाइम पे थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन लोगों जो लोग मुझे रास्ते में मिले अभी उनके अकॉर्डिंग ऊपर खलिया टॉप में काफ़ी बर्फ है। तो अभी हम जाके देखेंगे, अभी तो नहीं कल, क्योंकि अभी तो हम रास्ते में ही हैं और अभी हमको सिर्फ केएमवीएन तक जाना है। तो बहुत ही ब्यूटिफुल ये ट्रैक है, और क्योंकि पूरा जंगल के रास्ते से है, लेकिन ठंड काफ़ी लग रही है। अभी हाथ थोड़े जम से रहे हैं और नाक भी रेड हो गई है, लेकिन ब्यूटीफुल ट्रैक और इजी, लाइक बिगनर लेवल के लिए ये बहुत अच्छा ट्रैक है। जैसे मेरे साथ मेरे कजन्स भी आए हुए हैं और दे आर वेरी न्यू टू ट्रैकिंग, तो ये लोग भी आराम से कर पा रहे हैं विद द बैक ऑन। सो विल सी अभी हमें कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ब्यूटीफुल ट्रैक, यू शुड ट्राई इट बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल। और इस टाइम पे थोड़ा लेट डिसम्बर में यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्नो, लाइक टूवर्ड्स क्रिसमस और न्यू ईयर टू द टॉप। तो या प्लीज़ डू दिस ट्रैक, माई पर्सनल रिकमेंडेशन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ट्रैकिंग जर्नी। सो या लेट्स गो। अभी रास्ते में काफ़ी स्लिपरी हो गया है क्योंकि पिघली सी बर्फ पड़ी हुई है, तो थोड़ा स्लिपरी हो गया है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जल्दी पहुँचें, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है, और हमारे बैग भी हैं तो हम थोड़ा लिटरली फिसल रहे हैं। और ये देखो पंचाचुली में पूरा सनसेट हो रहा है, ब्यूटिफुल व्यूज़, बड़ा ठंड बढ़ रही है और रास्ता थोड़ा स्लिपरी हो गया है, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं। बट यू आर ट्राइंग कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचें, अभी अराउंड 1-1.5 किलोमीटर और बचा है। सोलर से लाइट आता है और बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जब से हम आए हैं तब से लाइट ही नहीं है, और हमारे अब ना हम कुछ चार्ज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप पहले से अपनी सारी चीज़ें चार्ज करके लाइए, लाइक योर फोन्स और गैजेट्स और वट एवर, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम रहेगा। अभी बस यहाँ पे बैठे हुए हैं, फुल मून है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो बस अभी रात के लिए यही सहारा है, आँख सेक रहे और थोड़ी देर में डिनर करते हैं। सो इट्स फाइनली मॉर्निंग, धूप आ चुकी है ऊपर यहाँ पे खलिया टॉप से पहले जो केएमवीएन है वहाँ पे, अभी जस्ट सनराइज आया है। नाइट वॉज रियली रियली कोल्ड,
यहाँ पे एक्चुअली जो ये वाला केएमवीएन है ऊपर वाला, यहाँ पे देर इज़ नो फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर इन द वॉशरूम एंड देर इज़ नो बेसिक, कुछ भी बेसिक फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. इट्स जस्ट लाइक देर गिव यू द रूम और द टेंट्स वट एवर एंड देन आपको अगर पानी चाहिए गर्म या नॉर्मल पानी भी चाहिए ठंडा भी, तो आपको बाहर से बकेट भर के लाना है और देन यू हैव टू यूज़ इट हियर इन द रूम. तो काफ़ी चैलेंजिंग है. इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो आप कुछ भी चार्ज नहीं कर पाएंगे. अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपना गैजेट्स, फ़ोन वडेवर, लाइक गेट अ पावर, इधर पावर बैंक चार्जर, पावर बैंक और वटेवर, बट सब कुछ पहले से सोच के आना है. और केएमवीएन इज़ ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है, जगह बहुत ही अमेजिंग है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लाइक आफ्टर लाइक टूवर्ड्स क्रिसमस और समथिंग. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अगर आप यहाँ पे ऊपर रहना चाहते हैं तो. अदरवाइज द सन इज़ अप नाउ, इट्स नॉट दैट कोल्ड. सो या ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग, लाइक द वेदर इज़ वेरी रियली क्लियर. पूरा पंचचुली रेंज यहाँ से बहुत ब्यूटिफुली दिखता है, जैसे कि दिस इज़ द एंटायर रेंज बिहाइंड मी और ये आपका केएमवीएन है इधर से. And then I'll just show you the views in a second. So this is your KMVN. यहाँ पे there is a room और यहाँ पे नीचे there is this tents. अगर आप टेंट आपको मिलता है तो, अगर यहाँ पे rooms available नहीं है तो आपको tents मिलेंगे, तो आप tents में भी रह सकते हैं. And this is the fountain and that's the sun. And this is your kitchen. यहीं से ही आपको पानी मिलेगा. And this is यहाँ पे actually क्या है, इन्होंने यहाँ पे solar लगा रखा है, तो सोलर रहता है तो उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी आता है. नहीं रहेगा तो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कल रात पूरी रात भी और अभी भी नहीं है, तो वी कुडंट चार्ज एनीथिंग. तो जितना बैटरी बचा है उसी से ही ट्राई कर रहे हैं. तो या दिस इज़ द थिंग, वी स्टार्टेड फॉर द खलिया टॉप. नीचे केएमवीएन में रहने का बस एक प्लस पॉइंट है कि आप ऑलरेडी वहाँ तक आने पर 3/4 ट्रैक कर चुके होते हो, क्योंकि नीचे से जो खलिया गेट है वहाँ से ऊपर पूरा 8 किलोमीटर है और आपका केएमवीएन अराउंड 4 किलोमीटर्स होता है और वहाँ से ऊपर खलिया टॉप आपका 3 किलोमीटर्स होता है. तो अभी जो हमने केएमवीएन से स्टार्ट किया है पूरे रास्ते में बर्फ़ है. इट्स गेटिंग लिटिल स्लिपरी क्योंकि शूज़ प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ नहीं है इस टाइम पे, नॉर्मल रनिंग शूज़ ही पहने हुए हैं तो थोड़ा स्लिपरी हो रहा है. लेकिन द व्यूज़ आर रियली ब्यूटिफुल एंड इट्स रियली रियली कोल्ड हियर. तो इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द कोल्ड क्योंकि काफ़ी ठंडा है. लेकिन द व्यूज़ आर मैग्निफिसेंट. यहाँ पे आप पूरा जब ऊपर को जाएंगे तो यू विल सी द एंटायर रेंज ऑन योर बैक एंड यू जस्ट गोइंग इनसाइड. और यहाँ पे है काफ़ी बर्फ तो देयर देयर. सो यहाँ से बस बर्फ़ फेंक फेंक के टाइम पास हो रहा है. तो फाइनली ऊपर तक पहुंच गए. ये जो सिंबल यहाँ पे एक छोटा सा टेंपल सा है, यही इंडिकेशन है कि आप खलिया टॉप आ गए हैं. बस यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको जाना है. एंड द वेदर इज रियली रियली क्लियर टुडे. पूरा रेंज यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, एक भी बादल नहीं है. इट्स अ ब्यूटिफुल सनी डे. ऊपर आके चल के आके इतना ठंडा नहीं लग रहा है. आई रिमूव द ग्लव्स ऑल्सो. इट्स ब्यूटिफुल. You can come and ski here also in snowy season, or just sit here for hours and get lost in these magnificent views right in front of you. खलिया टॉप से नीचे आने पे अराउंड 1 घंटा लगा. तो हम नीचे खलिया गेट पे पहुंचे और फिर दोबारा एज यूजुअल हम गाड़ियों का वेट कर रहे थे
और फाइनली हमको फिर से एक गाड़ी मिली जिसमें हम फिर से फंस फंस के आ रहे हैं। तो अभी ये हमको मुंशियारी छोड़ देगी, तो आज हम मुंशियारी में ही स्टे करेंगे, फिर कल से देखते हैं आगे क्या करना है। तो या टिल देन लेट अस रीच इट, विल टेक लाइक नॉट अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम खलिया गेट टू रीच मुंशियारी, तो हमें लगता है कि हम ऐसे 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट विल सी। फाइनली हम पहुंच गए मुंशियारी, काफ़ी जल्दी उसने हमें छोड़ दिया। और खलिया गेट से मुंशियारी का हमने दिया 50 रुपीज़ पर हेड, तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं आपको टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको थोड़ा काम सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूरी गाड़ी बुक करते हैं तो उसका आपको हर डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो आप लोकल से आ सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट से, बट हाँ उसका थोड़ा वेट करना पड़ता है। और अभी हम मुंशियारी में बीच में कहीं गांव में घूम रहे हैं और ये व्यूज़ हैं, बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं, दिन का टाइम है, ब्यूटीफुल प्लेस। मुंशियारी को बेस बनाया है सो दैट टुमारो वी कैन गो टूवर्ड्स धारचूला, सो विल एक्सप्लोर धारचूला टुमारो, विल सी वी वॉन्ट टू स्टे देयर और नॉट, और कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में। तो सेम हम टैक्सी से ही जाएंगे, तो यहाँ पे अभी स्टैंड जाके पूछना पड़ेगा कि टैक्सी के क्या चार्जेस हैं पर सीट के हिसाब से। तो हाँ देखते हैं कितने बजे मिलती है, ट्राई करेंगे कि अर्ली से अर्ली टैक्सी मिल जाए सो दैट हम टाइम पर पहुँच जाएँ। आई थिंक यहाँ से धारचूला पहुँचने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही। So we'll see, and the views. In the next episode, I'll take you to the border town of India, Dharchula, जो कि काली गंगा के किनारे है. So stay tuned for the next episode. Till then, you know the drill. Please, please, please do share, like, and subscribe to my channel. Take care.